सो गाइस आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे टिप्स जो कि 2024 के अंदर आपको एसईओ अगर आप करते हैं तो उसमें काफी बेनिफिट देने वाले हैं। चलिए जानते हैं ये 6 स्टेप्स क्या है, और आप भी एसईओ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर 2024 में अपने वेबसाइट का खुद एसईओ करना चाहते हैं या किसी के लिए काम करते हैं, तो ये 6 स्टेप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो यहां पे जो है सबसे पहला जो 2024 की अगर बात करें तो पहला जो स्टेप है वो होता है मोबाइल फ्रेंडली, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग 75% से भी ज्यादा जो आपके डिवाइसेस हैं, यूजर्स हैं, वो अब आज की डेट में मोबाइल से जो है अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए आप जिस पे भी एसईओ करेंगे वो आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा स्टेप्स यहाँ की बात करें तो दैट इज आपको गूगल की एक गाइडलाइन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ईट। अब ईट का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए तभी हम उसके ऊपर में काम कर पाएंगे, यानी कि जो हमारे पास में ईट का फुल फॉर्म होता है दैट इज दी एक्सपर्टी अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ये तीन चीजें हमारे वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट करके हमारे वेबसाइट पे आता है तो डेफिनेटली वहां पे उसको जो है जो हमारे टॉपिक्स लिखे गए हैं उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और दूसरा जो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। बिकॉज ट्रस्ट होगा और आपने अच्छा कॉन्टेंट डाल के रखा तो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और ट्रस्ट की यहां तक बात है तो डेफिनेटली अगर वैल्यूएबल कॉन्टेंट डालोगे और तो डेफिनेटली ट्रस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका सिंपल सा इसको चेक करने का तरीका, अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और एक लंबे समय तक आपकी वेबसाइट पे रुक रहा है, यानी कि उसको जो आपका कंटेंट है पसंद आ रहा है, तो ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको ये ईट के ऊपर में काम करना पड़ेगा। तीसरा अगर बात करें विच इज कॉल्ड दी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सो बेसिकली पहला जो काम है वो हमारी इमेज एक प्रॉपर लोकेशन पे होनी चाहिए, और दूसरा जो है हमारे पास में इमेज का ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उसके जो टैग्स वगैरह हैं वो हमें अल्ट टैग्स वगैरह जो है वो सारे प्रॉपर तरीके से डालने हैं, और साथ ही साथ जो इमेज है वो हमारे कंटेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने वाली इमेज होनी चाहिए। सो दैट कि यूजर जो है वो कंटेंट को बाद में देखता है, पहले जो सबसे पहले आपका आता है विच इज योर इमेजेस। इमेजेस जो है वो आपका कॉन्टेंट क्या है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए इमेजेस के ऊपर में भी आपको ज्यादा काम करना है, जिसमें आपको CTA यानी कि क्लिक थ्रू CTR विच इज कॉल्ड द क्लिक थ्रू रेट, ये जो है आपकी इमेज अगर ला सकते तो डेफिनेटली आपके साइट के ऊपर में जो ट्रैफिक है वो काफी लंबे समय तक रहेगा और ट्रस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। चौथा अगर हम बात करें यहां पे रिलेटिव आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, यानी कि जो आपका मेन जो टाइटल है या जो भी मेन आपने कीवर्ड आपने सेट करना चाहते हैं अपने किसी भी पेज के लिए, तो बाकी जो उसके अंदर आप कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, रिलेटिव होने चाहिए और जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही कीवर्ड्स जो है आपको इस्तेमाल करने हैं। पांचवा अगर हम यहां पे बात करें विच इज कॉल्ड दी क्वालिटी बैकलिंक्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी बैकलिंक्स, बिकॉज जनरली जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो नए स्पेशली बिगनर्स हैं एसईओ के अंदर, वो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर जो है लिस्ट आपका जो बैकलिंक है उसको ऐड करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जिन वेबसाइट्स पे वो अपने बैकलिंक्स ऐड करवाते हैं तो वहां पर उनकी खुद की अथॉरिटी नहीं होती है, खुद की एक्सपर्टी नहीं होती है और खुद की उनकी वेबसाइट के ऊपर में ट्रस्ट नहीं होता है, तो वहां से जो ट्रैफिक आएगा क्योंकि एक अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक नहीं कहलाएगा। तो क्वालिटी बैकलिंक आपको अगर क्रिएट करने हैं तो आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से लेकर आ सकते हो, या फिर जो है ऐसे medium.com वगैरह इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं या किसी वेबसाइट का ऑलरेडी अथॉरिटी काफी अच्छी है उन पे आप गेस्ट पोस्टिंग करके जो है अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फाइनल जो आपका स्टेप है 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल्ड दी लोकल सर्च इंजन। अगर आपकी कोई भी बिजनेस है कोई भी सर्विस है तो डेफिनेटली आपकी जो गूगल की लोकल सर्च इंजन की जो लिस्टिंग है अगर उसमें आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर उसके अंदर आपने अपना बिजनेस लिस्ट करा के रखा है तो देन इन दैट केस आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और गूगल जो है उसको सबसे टॉप पे जो है लेकर आता है। तो ये 6 ऐसे स्टेप्स से, ऐसे तो बहुत सारे अदर स्टेप्स भी हैं क्योंकि गूगल जो है वो
टाइम टू टाइम अपनी जो पॉलिसीज है उनके अंदर चेंजेस करते रहता है। जैसे चेंजेस होंगे हम आपको और बता के और जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताते रहेंगे ताकि आप अपने एसईओ करियर के अंदर एक्सपर्ट बन सकें। सो गाइस आई होप कि ये आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के कंटेंट पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज इस चैनल के ऊपर में आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स है, चाहे वो एसईओ है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, या फिर जो एसईओ और भी जितने भी डोमेन्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, इस तरह के ईमेल ऑटोमेशंस वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड आपको जो है यहां पे काफी सारे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे ताकि अपने करियर के अंदर जो है आप सीख भी सकें और जो है एक पैसिव इनकम जो है जनरेट करके अपने करियर को एक नेक्स्ट मुकाम तक लेके जा सकें। चलिए मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।